खाली है भैया, आपका ऑटो खाली है। मुझे लिफ्ट नीचे, मैं खुद आ जाऊंगी। थैंक यू। ऑटो ऑटो ऑफिस यहां से 2 मिनट की दूरी पर है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को एक साथ देखकर लोग तरह तरह की बातें करें, खास करके उस रिश्ते के बारे में जो ऐसे भी 6 महीने बाद टूटने वाला है। आगे चलकर मुझे इन्हीं लोगों के साथ काम करना है और मैं यहां का बॉस भी हूं, सो मुझे कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। थैंक यू आंटी। मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। बोलो। एक्चुअली आंटी, मैंने आपका नंबर अपनी आई को दिया है। वो आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो वो। अरे नहीं नहीं, कोई एतराज वाली बात ही नहीं है। लेकिन क्या काम था आई को? वो आपको फोन पर ही बता देगी। अच्छा, मैं चलता हूं। हेलो हेलो अर्चना दाई, नमस्कार। मैं विनय की आई बोल रही हूँ। अरे नमस्कार, मुझे अभी अभी विनय ने बताया कि आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। हम हमारे विनय के लिए आपसे पूर्वी का हाथ मांगना चाहते हैं। पूर्वी? पूर्वी का हाथ? अर्चना ताई, विनय पूर्वी को बहुत पसंद करता है। देखिए, सच कहूँ तो विनय बहुत अच्छा लड़का है और उसमें ऐसी कोई कमी नहीं जिसके लिए हम उसे मना करें, लेकिन मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकती। दरअसल मैंने पूर्वी को हर चीज की आजादी दी और मैं चाहती हूँ कि इतना बड़ा अपनी जिंदगी का फैसला पूर्वी खुद करे, तो मुझे एक बार उससे बात करनी होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ठीक है, पहले उसकी राय जरूरी है क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। आप एक काम कीजिए, आप पूर्वी से बात कर लीजिए और उसकी जो भी राय हो हमें बता दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। आई आई, क्या हुआ? तूने मुझे ऑफिस से अचानक क्यों बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे तेज, जरा अंदर चल, मुझे अलमारी में कपड़े रखने के लिए मदद कर। चल। हाँ ठीक है, लेकिन अभी आप कह रही थी ना कोई आने वाला है। हाँ हाँ कह रही थी, तुझे अंदर तो चल, मैं बताती हूँ। चल। लेकिन आप बोल रही। पूर्वी तो आप बैठना। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। किस बारे में आई? मुझे एक बात बता कि वो विनय, तुझे विनय कैसा लगता है? अपना विनय? हाँ। अच्छा लड़का है। आए अर्जुन सर के दिए हुए काम में उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी। एक सेकेंड, मगर तू ऐसे क्यों पूछ रही है विनय के बारे में? हाँ पूर्वी, दरअसल बात यह है कि आज विनय की आई का फोन आया था। वो तेरा हाथ मांग रही थी विनय के लिए।